बमचक इज प्रेजेंटेड बाय हाउसेट इन एसोसिएशन विद 5paisa.com। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की वो टीम जिसके फैंस हरदम मुस्तैद हैं। सीएसके को लेकर कोई भी चर्चा हो तुरंत चीजें वायरल हो जाती हैं। हो भी क्यों ना, जब टीम के साथ नाम जुड़ा है भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। ट्रॉफी के लिहाज से देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम है, यानी फाइनल्स तक पहुंचना तो इनकी आदत में शुमार है। चेन्नई ने आईपीएल 2021 में भी बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन इस सीजन का दूसरा लेग जहां खेला जाना है वहां इस टीम की कहानी फंस जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2020 का यूएई सीजन कभी नायाद करने वाला रहा। टीम पिछले सीजन में यूएई खेलने गई तो सातवें स्थान पर रहते हुए कैंपेन खत्म किया, लेकिन इस बार जैसी शुरुआत की है यूएई में भी फैंस को उसी प्रदर्शन की उम्मीद है। आईपीएल 2021 के पहले हिस्से में चेन्नई सुपर किंग्स का खेल कमाल का रहा है। पहले लेग की पॉइंट्स टेबल में वो नंबर 2 पर मौजूद है। उन्होंने 7 मैचों में 5 जीत के साथ 10 पॉइंट हासिल किए हैं। अगर टीम आखिरी मैच ना हारी होती तो टेबल टॉप भी कर सकती थी। धोनी की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स को हराया, जबकि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई के हाथों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन दोनों मैचों को छोड़ सीएसके की टीम के लिए पहला लेग शानदार गुजरा है। अब अगर बाकी बचे 7 मैचों में सीएसके 3 मैच जीत लेती है तो आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सुपर पावर फाफ डु प्लेसी ही हैं, जिन्होंने पहले लेग में झामपाट बैटिंग की। उन्होंने 7 मैचों में 320 रन बनाए और टीम की बैटिंग को संभाले रखा। यूएई में भी उनका बल्ला खूब चलता है। उनके अलावा मोइन अली 206 रन, ऋतुराज गायकवाड़ 196 रन ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को भी टीम की बैटिंग का साथ देना होगा। टीम के इन बल्लेबाजों पर सीएसके की बैटिंग बहुत निर्भर करेगी और उम्मीद रहेगी कि दूसरे लेग में भी टीम का काम पूरा करें। इनके अलावा अंबाती रायडू, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा टीम के वो अनुभवी खिलाड़ी हैं जिनका रोल मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इन्होंने छोटा छोटा पार्ट भी प्ले किया तो सीएसके का काम हो जाएगा। वहीं टीम के कप्तान एमएस धोनी से टीम को फिर से आतिशी बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी ही। हाल के मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग को संभालने का काम किसी गेंदबाज ने किया है तो वो हैं सैम कैरन। सैम कैरन ने सीजन 9 विकेट चटकाए हैं और वो सीएसके के सबसे बड़े विकेट टेकर बनकर उभरे हैं। सैम कैरन के अलावा दीपक चाहर ने भी सीएसके के लिए विकेट्स निकालने का काम किया है। इन दोनों के अलावा टीम के पास लुंगी एनगिरी और शार्दुल ठाकुर भी हैं। ऐसे में बॉलिंग में सीएसके बैटिंग जितनी ही बेहतर नजर आ रही है। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा और मोइन अली के साथ मिशेल सैंटनर और कर्ण शर्मा भी हैं। यूएई में अगर इस बार टीम को सफल होना है तो टीम के इन सभी खिलाड़ियों को 2021 के पहले लेग जैसा प्रदर्शन यूएई में करके दिखाना होगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि किन किन टीमों से और कहां कहां हैं बाकी बचे मैच। 19 सितंबर दुबई सीएसके वर्सेस एमआई, 24 सितंबर शारजाह सीएसके वर्सेस आरसीबी, 26 सितंबर अबुधाबी सीएसके वर्सेस केकेआर, 30 सितंबर शारजाह सीएसके वर्सेस एसआरएच, 2 अक्टूबर अबुधाबी सीएसके वर्सेस आरआर, 4 अक्टूबर दुबई सीएसके वर्सेस डीसी, 7 अक्टूबर शारजाह सीएसके वर्सेस पीवीकेएस। 2020 से पहले के आंकड़े देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल के 12 साल के इतिहास में 10 साल खेली है। टीम को स्पॉट फिक्सिंग के मामले में 2 साल सस्पेंड रहना पड़ा था। जिन 10 सालों में चेन्नई की टीम खेली है उनमें हर बार अंतिम 4 या प्लेऑफ में गई है, 10 में से 8 बार फाइनल में खेली है, 3 बार चैंपियन बनी है और 5 बार उपविजेता रही, जबकि 2020 में टीम 7वें नंबर पर रही थी। हालांकि इसके बाद भी ऐसा रिकॉर्ड आईपीएल की किसी टीम का नहीं है। 2008 उपविजेता, 2009 सेमीफाइनलिस्ट, 2010 विजेता, 2011 विजेता, 2012 उपविजेता, 2013 उपविजेता, 2014 प्लेऑफ, 2015 उपविजेता, 2016 और 2017 में सस्पेंड रही, 2018 विजेता, 2019 उपविजेता, 2020 सातवां स्थान। टीम में किस रोल में कौन से खिलाड़ी हैं ये भी जान लीजिए। बल्लेबाज एमएस धोनी, एन जगदीशन, अंबाती रायडू, फाफ डु प्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़, चेतेश्वर पुजारा, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, सी हरी निशान, भगत वर्मा। ऑलराउंडर कौन कौन है ये भी बताते हैं। ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, मिशेल सेंटनर, सैम कैरन, कर्ण शर्मा, मोइन अली। गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, आर साई किशोर, के एम आसिफ, दीपक चाहर, इमरान ताहिर, लुंगी एनगिरी, हरिशंकर रेड्डी।
आईपीएल सीजन 2021 के पहले हिस्से के बाद चेन्नई की टीम प्लेऑफ की सबसे तगड़ी दावेदार है। उन्होंने पहले सीजन के 7 मैचों में ही 10 पॉइंट्स के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अब देखना होगा कि यूएई में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि 2020 के यूएई वाले सीजन में सीएसके की एक नहीं चली थी और टीम ने 7वें स्थान पर रहते हुए कैंपेन खत्म किया था, लेकिन अगले 7 मैचों में उनका खेल ही उनके खिताब की दावेदारी बताएगा। अब जाते जाते एक जरूरी जानकारी आपको दे जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इन्हीं सब सुविधाओं के लिए डाउनलोड कीजिए 5paisa ऐप। लिंक का पता आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लल्लन टॉप के व्यूअर हैं तो आप कूपन कोड IPL200 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पा सकते हैं 200 रुपए का क्रेडिट। इसके साथ ही हाउस ऐप पर जाकर भी आप अपनी टीम बना सकते हैं, जहां पर आपको सभी मैचेस में बड़े डिस्काउंट मिलने वाले हैं। इसके ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। शुक्रिया।